डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। देखो, हमने ये मान लो कोई एक समान आवेशित गोलीय कोश है। गोलीय कोश मतलब खोखला गोला, वो चालक भी हो सकता है और कुचालक भी कैसा भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसको एक समान रूप से आवेशित कर दिया है। तो हम मान लेते हैं इस गोले के ऊपर स्मॉल क्यू आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। इस गोले की जो त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। इसका केंद्र बिंदु है ओ। इस केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, जहाँ पर अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो विभव कैसे ज्ञात करेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा था विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा था माइनस ए इंटू डी आर लिमिट अनंत से स्मॉल आर। अगर अपने को विद्युत क्षेत्र पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। और गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टर में। अब विभव हमें ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र पता है, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसमें तीन केस बनते हैं। ये पी बिंदु इस गोले कोश के बाहर भी हो सकता है। सेकंड केस होगा जब पी बिंदु गोले कोश की सतह पर हो। थर्ड केस होगा जब पी बिंदु गोले कोश के अंदर हो। तो देखो, जब पी बिंदु बाहर होता है तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आता था ई आउट, ये फॉर्मूला आता था के क्यू बटे में आर स्क्वायर। सतह पे विद्युत क्षेत्र आता था के क्यू बटे में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाता था, कैपिटल आर स्क्वायर। और गोली कोश के अंदर क्योंकि कोई आवेश नहीं होता है इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान भी कितना आता था, जीरो। तो अंदर विद्युत क्षेत्र ये होता है, सतह पे ये होता है और बाहर ये होता है। विद्युत क्षेत्र हमें पता है, अब अपने को विभव निकालना है। तो ये फॉर्मूला अपने पास है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आसानी से विभव ज्ञात कर लेंगे। तो देखो करते हैं स्टार्ट, कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना एक समान आवेशित कोई गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, केंद्र बिंदु ओ है। इस केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है और गोलक का जो आवेश है वो स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो केस स्पष्ट होगा अपना, जब पी बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। जब पी बिंदु बाहर है तो ये जो स्मॉल आर है, ये दूरी, ये गोले की जो त्रिज्या है कैपिटल आर, इससे बड़ी होगी। तो ब्रैकेट हम लिख लेते हैं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो विभव हम निकालेंगे। देखो अपने को फॉर्मूला पता है, विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध, माइनस ए इंटू डी आर लिमिट होती है अनंत से। देखो इसको अपने को अनंत से आवेश को इस पी बिंदु तक लाना है, पी बिंदु का मतलब आर दूरी तक। तो लिमिट हम लगा देंगे अनंत से स्मॉल आर। और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा, देखो जब आवेश को हम लेकर आएंगे अनंत से इस पी बिंदु तक, तो ये जो आवेश को हम लाएंगे तो ये बाहर के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अपने को कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र हम लिखेंगे ये बाहर का लिखेंगे ई आउट। और बाहर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, के क्यू बटे में आर स्क्वायर। क्लियर है, तो इस ई आउट की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पर और इसको सिंपलीफाई करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो आर ई आउट की वैल्यू पुट कर देंगे के क्यू बटे में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब देखो के और क्यू ये तो नियत है, इनको समाकलन से हम बाहर निकाल देंगे। तो इसको समाकलन से बाहर निकाल देते हैं के और क्यू को, तो हो जाएगा समाकलन एक बटे में आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आर की घात माइनस दो इंटू डी आर लिमिट है अनंत से
स्मॉल आर। क्लियर है यहाँ तक? आप देखो समाकलन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन का समाकलन, ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, मतलब जो पावर है उसमें एक पावर वन ऐड कर दो और वही डिवाइड में आ जाते हैं। तो इधर देखो ये पावर माइनस टू है, देखो समाकलन करेंगे तो उसको बड़े कोष्टक में लिखेंगे, तो आर की घात माइनस दो का हमें समाकलन करना है, तो ये हो जाएगा आर की घात माइनस दो प्लस एक बटे में माइनस दो प्लस एक, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर देंगे, लिमिट लगा देंगे अनंत से स्मॉल आर। क्लियर है? अब देखो आर की घात माइनस दो और प्लस वन है, तो ये हो जाएगा आर की घात माइनस वन बटे में हो जाएगा माइनस वन, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे हम बढ़ाते हैं इसको। तो ये विभव हम ज्ञात कर रहे हैं बाहर की साइड में, तो वी आउट लिख देंगे इसको, तो हो जाएगा वी आउट इक्वल्स टू माइनस के क्यू एन टू, देखो ये हो जाएगा आर की घात माइनस एक बटे में माइनस एक, लिमिट है अनंत से स्मॉल आर, तो देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू आर की घात माइनस एक है, इसको नीचे ले आएंगे तो आर की घात प्लस एक हो जाएगी, ये लिमिट है अनंत से स्मॉल आर। क्लियर है यहाँ तक? के क्यू एन टू, आप देखो लिमिट सोल्व कैसे करते हैं, एक बार जो वेरिएबल होता है यहाँ पे वेरिएबल जो है वो आर है, इसकी जगह एक बार ऊपर की लिमिट रखेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर नीचे की लिमिट रखेंगे, देखो वन अपॉन आर की जगह ऊपर की लिमिट रखो आर, फिर बीच में माइनस का साइन, अब आर की जगह अपने को नीचे की लिमिट रखनी है। क्लियर है? हो जाएगा के क्यू एन टू वन अपॉन आर माइनस एक बटे अनंत होता है जीरो, कैसे होता है ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाता है अपना के क्यू बटे में स्मॉल आर। तो ये विभव का फॉर्मूला होता है गोले कोष के बाहर की साइड में के क्यू बटे में आर। तो बाहर जो विद्युत विभव होगा वो आवेश के समानुपाती होगा, क्योंकि आवेश का मान बढ़ेगा तो विभव का मान भी बढ़ेगा। तो बाहर अगर हम ग्राफ की बात करें वी आउट और क्यू, तो ये ग्राफ बनेगा सरल रेखा, तीनों ग्राफ हम एक साथ बनाएंगे बाहर सतह और अंदर, उसको बाद में देखते हैं। तो ये हो गया अपना केस स्पष्ट, जब पी बिंदु गोले कोष के बाहर हो तो बाहर की स्थिति में जो विभव आता है ये होता है के क्यू बटे में स्मॉल आर। सेकेंड केस है अपना जब पी बिंदु गोले कोष की सतह पर है, तो देखो जैसे ही पी बिंदु सतह पे आ जाएगा तो इस स्मॉल आर की जो वैल्यू है इस कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा अपना के क्यू बटे में कैपिटल आर। क्लियर है? तो देखो सेकेंड केस है अपना जब पी बिंदु गोले कोष की सतह पर स्थित हो, केस सेकंड जब पी बिंदु गोले कोष की सतह पर स्थित हो तो देखो सतह पे क्या होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हम लिख देंगे स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। क्लियर है? तो फॉर्मूला ये होता था वी आउट का, इसमें स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर रख देंगे, तो वी सतह आ जाता है अपना, देखो वी सतह इक्वल्स हो जाएगा के क्यू बटे में कैपिटल आर। क्लियर है? तो ये सतह पर विभव आ जाता है, ये बाहर का विभव था। इसको अगर डेरिवेशन करना चाहो तो देखो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, v इक्वल्स टू माइनस ए इंटू डी आर, लिमिट देखो अनंत से क्या करना है अपने को, अब इस बिंदु पर विभव निकालना है, तो ये जो दूरी है इसको स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे, तो जो स्मॉल r हम लिमिट लगाते थे उसकी जगह अब जो लिमिट है ये कैपिटल R हम लगा देंगे, तो बस स्मॉल r की जगह लास्ट में जो रिजल्ट है उसकी जगह कैपिटल R आ जाता है, बाकी सेम ही होता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसा। तो ये तो था अपना
सतह पर विभव। अब केस थर्ड है जब पी बिंदु गोले कोष के अंदर स्थित हो, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं।